बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मसूर की खट्टी दाल और हैदराबादी मिर्चों का सालन, जो कि हैदराबादियों की बहुत ही फेमस डिश है, जिसे हैदराबादी लोग अपनी शादियों और ख़ास दावतों में बहुत ही शौक से बनाते हैं। इन मिर्चों के सालन को आप अचार की तरह स्टोर भी कर सकते हैं, यानी किसी एयर टाइट जार में या किसी कांच की बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें। फिर इसे आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली मज़ेदार सी डिश है। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 1 पाव हमें बड़ी वाली बोटी हरी मिर्च इस्तेमाल करनी है, जिसे हमने बीच में से काट के इनके बीज निकाल लिए हैं। 1 कप ऑयल है, कुकिंग ऑयल। 1 छोटी साइज की प्याज है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। 60 ग्राम के करीब सफेद तिल है। 60 ग्राम के करीब ही तकरीबन हमारे पास इमली है, जिसे हमने पेस्ट बना लेना है। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ नारियल, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चाय का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच मूंगफली, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच हमारे पास नमक है। इसके भगार के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के, 1/2 चाय का चम्मच राई, 7 से 8 अदद साबुत मिर्चें, 1 खाने का चम्मच जीरा। चले हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में मूंगफली, साबुत धनिया, जीरा, पिसा हुआ नारियल और तिल शामिल करके अच्छी तरह से भूनेंगे। विदाउट ऑयल इसे हमें फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तिलों का, तो फिर हम इन्हें बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम एक भगोने में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। 1/2 कप हम बचा लेंगे, वो हमें भगार में इस्तेमाल करना है। 1/2 कप ऑयल डाल के इसमें मिर्चें शामिल करेंगे और इन्हें हल्का सा तल लेंगे। दो से तीन मिनट तक हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में हम जो पेस्ट किया हुआ हमने मसाला बनाया था वो शामिल करेंगे। एक छोटी साइज की प्याज लेके हमने उसे ब्राउन कर लिया था, उसका पेस्ट भी शामिल कर दिया। पिसे हुए मसाले डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक शामिल करेंगे, इमली का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सात से आठ मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेने के बाद जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें तली हुई मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टू टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। तब तक हम अपना भगार तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे जो हमने बचा कर रखा था। इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ज़ीरा, राई और 8 अदद साबुत मिर्चें शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम कड़ी पत्ता डाल के भगार लगा देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। अब हमारा भगार तैयार है, हम इसे मिर्चों में ऐड कर देंगे। अब हमारी हैदराबादी मिर्चों का सालन सर्विंग के लिए तैयार है। हैदराबादी मिर्चों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें जो खट्टी दाल बनानी है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 250 ग्राम हमारे पास मूंग और मसूर मिक्स दाल है। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 मीडियम साइज की प्याज है, बारीक कटी हुई। 1 बड़े साइज का टमाटर है। 2 से 3 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच नमक, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके भगार के लिए जो हमें चाहिए अज्जा वो ये है। 7 से 8 अदद साबुत मिर्चें, 1/2 चाय का चम्मच राई, 1 चाय का चम्मच जीरा, 7 से 8 अदद लहसुन के पीस, 7 से 8 अदद कड़ी पत्ते। चले हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 गिलास पानी एक कुकर में डालेंगे, दाल शामिल करेंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक शामिल करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे और अब इसके पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर इसकी लिड लगा के हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसे पकाना है। अब हम अपने लिड हटाकर चेक करेंगे कि हमारी दाल गल चुकी है या नहीं। हमारी दाल तकरीबन गल चुकी है, तो हम अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। उससे पहले हम इसमें इमली का पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब इसमें भगार लगा देंगे। एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, लहसुन शामिल करेंगे, इसे लाइट गोल्डन करेंगे। लाइट गोल्डन हो जाने पे हम इसमें साबुत मिर्चें शामिल करेंगे, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और राई शामिल करेंगे। अब हम इस भगार को दाल में शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस लीजिए, हमारी दाल सर्विंग के लिए तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के हैदराबादी सालन के साथ सर्व करेंगे। हमारी खट्टी दाल चावल और चटपटा सा हैदराबादी मिर्चों का सालन तैयार है। बाज़ दफ़ा घर वाले दाल चावल खाने में जो नखरे करते हैं ना, बस एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें और ये सालन बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें, तो यकीन जाने सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली मज़ेदार सी डिश है। इसे आप पराठों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।